तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज फखर जमान की खैर नहीं थी लेकिन अल्लाह ने बचा लिया जब इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तानी बाउलर पर लाठी चार्ज कर रहे थे और बाबर आजम भी बहुत मायूस दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हारिस रऊफ ने रोहित शर्मा को गेंद कराई जिसको रोहित बाउंड्री से बाहर फेंकना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गेंद के नीचे फखर जमान और खुशदिल शाह आ गए। फखर जमान ने कोशिश की लेकिन कैच फखर से छूट गया और गेंद खुशदिल शाह के हाथों में आ गई और यूँ सब हंसने लगे। अगर ये कैच छूट जाता तो फखर जमान की खैर नहीं थी क्योंकि पहले मैच में भी फखर जमान ने विराट कोहली का आसान कैच छोड़ दिया था और ये कैच खुशदिल शाह का था। फखर जमान बीच में आठ टपका। इंडिया की टीम ने पावर प्ले में एक विकेट के नुकसान पर 62 रन हासिल किए। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जबरदस्त बैटिंग की। सोशल मीडिया पर भी यही बहस हो रही है कि ऐसे खेलते हैं पावर प्ले तो भैया आज का मैच कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया? और फखर जमान के लिए एक जुमला नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखे। शुक्रिया।